आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल भुग्गा बनाने की रेसिपी। इसे जो है स्पेशली लोहड़ी के त्यौहार पर मकर संक्रांति पे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया है। दूध से बनी हुई ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही रिच मिठाई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं 1.5 कटोरी तिल। तिलों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। इसका हमने सिर्फ हल्का सा कलर ही चेंज करना है और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो ही रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो तिल हैं उनका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे जो तिल हैं अभी रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। तो इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी और ठंडा होने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मावा लेंगे 1 कप। इसके हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। मावे के हम लम्स निकाल लेंगे और इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भूनना है। तो आप देख सकते हो कि हमने लंप जो है निकाल लिया अच्छे से। तो मावे को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मावा हमारा भून चुका है। अब हम इसमें बूरा ऐड कर देंगे। बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी एक बार। इसे हम मावे के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे जो ये बूरा है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। तो चीनी मेल्ट होने के साथ साथ हमारा जो मावा है वो भी हल्का सा इसके साथ ही भुन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बूरा है वो बहुत अच्छे से मावा में मिल चुका है। तो अब हम इसमें पिसे हुए तिल ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस टाइम पे इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो या फिर आप इलायची पाउडर डाल सकते हो। पर जो ट्रेडिशनली है वो तिल भुग्गे में कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालता और ये खाने में ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बस मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे मिलाने में हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो तिल हैं वो बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, बहुत अच्छी इनमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो इस मिक्सर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे अपनी मनचाही शेप में जो है बना लेंगे। आप चाहो तो इसकी बर्फ़ी जमा सकते हो या फिर आप इसकी जो है गोल लड्डू भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने इसे हल्का सा ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर दिया है। तो ऐसे ही मैं बाकी के सभी पीसेस भी बना लूँगी। तो ये देखिए हमारे तिल भुग्गे की बर्फ़ी बन चुकी है। तो मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।